इनके पास इनसे पूछने के लिए कि किस लिए आप धरना कर रहे हैं। तो यही इन्होंने यही बात साबित की है जो मैं कह रही हूं। मैं कह रही हूं कि जब आप ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसी सरकारें चुनते हैं जो भूल जाते हैं कि आपकी समस्याओं का सुख को सुलझाना उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है, जब आपको गुमराह करने के बारे के लिए तमाम बातें उठाते हैं जिनसे आपका दिल जुड़ा है, लेकिन आपकी विकास की बात नहीं करते, आपके जॉब्स की बात नहीं करते, तो नुकसान किसका होता है? उनका तो नहीं हो रहा है, वो तो अपने महल बना ही रहे हैं, लूट रहे हैं आपको, तो नुकसान किसका हो रहा है बताइए, किसका हो रहा है? आपका नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, आप होने भी दे रहे हैं और आप जाग नहीं रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो ये लूट है इससे सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ रही है, सिर्फ ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, आपका जो बेंगलुरु शहर है जो दुनिया में प्रसिद्ध है उसको देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के जा रही हैं, कह रही हैं कि यहाँ पे हमें काम करना ही मुश्किल हो गया है। तो जब छोड़ के जाएंगी तो रोज़गार कैसे बनेंगे? जब ये सिर्फ लूट में मग्न होंगे तो रोज़गार बनाने का काम कौन करेगा? किसान की सहायता का काम कौन करेगा? मेरी बहनों के जीवन को सरल बनाने के लिए, इनकी सहायता करने के लिए काम कौन करेगा? तो आपको जागना पड़ेगा, आपको बहुत सख्ती से अपना निर्णय लेना पड़ेगा। और ये निर्णय लीजिए कि जो सरकार आए वो आपके लिए काम करे, वो आपके हित में काम करे, और वो जाने कि इस देश में जो लोकतंत्र की नींव डली थी, जो हमारे पुराने जो महात्माओं ने और नेताओं ने जो हमें शिक्षा दी थी वो यही थी कि इस देश में पब्लिक सर्वोपरि है, पब्लिक सर्वोपरि है, आप सर्वोपरि हैं। आप अगर कांग्रेस पार्टी को देखें तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो आपको याद होगा कि ऐसी ऐसी स्कीम्स थी जिनसे आपका फायदा होता था, अन्न भाग्या था, क्षीर भाग्या, पशु भाग्या, कृषि भाग्या, आरोग्य भाग्या आपके स्वास्थ्य के लिए, कृषि भाग्या किसानों के लिए, पशु भाग्या जानवरों के लिए, विद्याश्री शिक्षा की स्कीम थी, इंदिरा कैंटीन होते थे, तमाम ऐसे काम किए गए जिससे आपका फायदा होता था। जैसे नंदिनी है कर्नाटका की, आप लोगों ने बनाई कांग्रेस के समय। अब आप देखिए कि कांग्रेस के समय क्या था और बीजेपी के समय क्या है। कांग्रेस के समय इतना दूध इकट्ठा होता था नंदिनी से कि फ्री में क्षीर भाग्य बना था, फ्री में स्कूल के बच्चों को दूध मिलता था। और कांग्रेस पार्टी ने क्षीरधारे स्कीम निकाली थी जिससे किसानों को दूध इकट्ठा करने के लिए 5 रुपए प्रति लीटर दिया जा रहा था। तो उस समय नंदिनी खूब आगे बढ़ी, मजबूत बनी। आज बीजेपी क्या कह रही है? कह रही है दूध तो इकट्ठा नहीं होता, दूध कम इकट्ठा हो रहा है, पहले 99 लाख लीटर होता था अब 70 लाख लीटर है, ये नंदिनी चल नहीं रही है, हम गुजरात से अमूल को ले आएंगे और नंदिनी को अमूल में जोड़ देंगे। ये क्या है? लूट है, ये कर्नाटका की संपत्ति की लूट है। कह रहे हैं इसको खत्म कर दो, झूठी जिसको कहते हैं स्कैर्सिटी, झूठी कमी कि दूध कम मिल रहा है इससे। अरे अगर 3.5 साल पहले दूध मिल रहा था तो अब कैसे बंद हो गया? लेकिन ये एक पूरी साजिश है कि नंदिनी जैसी चीज जिसको कर्नाटका के लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया उसको भी छीनने की, उसको हड़पने की साजिश है। तो ये होता है जब एक सरकार आपके हित में काम नहीं करती। अब कांग्रेस कह रही है कि कुछ गारंटी देना चाहते हैं हम। अब मैं खड़ी होकर आपको कोई भी गारंटी दे सकती हूँ और मैं कह सकती हूँ ये करेंगे वो करेंगे, आपको कैसे मालूम कि हम इस गारंटी को पूरा करेंगे कि नहीं? कैसे मालूम? नहीं, आपको जागरूक बनना पड़ेगा। आप जाके देखिए राजस्थान में जो वादे कांग्रेस ने किए थे क्या पूरे किए हैं कि नहीं।
जैसे पुरानी पेंशन का स्कीम था, जितने भी कर्मचारी थे बहुत दुखी थे, कह रहे थे कि ये जो नया पेंशन का स्कीम लाई है ये सरकार, इसमें हमारे पैसे हमें पता नहीं किस में डाल रहे हैं, कल को उसको कुछ हो गया तो हमारी जिंदगी की मेहनत ख़त्म हो जाएगी पूरे जीवन की। तो उनकी समस्या थी, तो उन्होंने कहा कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए। तो राजस्थान छत्तीसगढ़ में हमने वादा किया था कि ठीक है, पुरानी पेंशन स्कीम हम अपने प्रदेश में लागू करेंगे, और लागू हुई। हमने वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ होगा, छत्तीसगढ़ में 18 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, राजस्थान में हुआ, और यहाँ कर्नाटका में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब कर्ज माफ होने शुरू हुए थे। तो मेरी बातों पर नहीं, आप असलियत को देखो, पहचानो, आप समझो कि कौन सी ऐसी सरकारें हैं इस देश में जो जनता की हित में काम कर रहे हैं। और तभी जब ये हम गारंटी बताते हैं आपको, तभी इनमें विश्वास है आपका, क्योंकि आपने देखा है कि कांग्रेस ने आपके लिए कुछ करके दिखाया। यहाँ कल्याण कर्नाटका में भी आपको याद होगा कि कांग्रेस ही ये 371J आर्टिकल लाई, ये मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खारगे जी के प्रयासों से आया। इससे आपको रोजगार मिले, यहाँ का विकास हुआ और आपकी बहुत तरक्की हुई। आज वो सारे रोजगार तकरीबन बंद हो गए हैं, विकास बंद हो गया है, कोई इस क्षेत्र को देखता ही नहीं है, नकारता है, ये सरकार नकारती है इस क्षेत्र को। और आपको ये भी मालूम होगा कि इसी क्षेत्र में, सिर्फ कल्याण कर्नाटका में 40,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं, 40,000, और 16,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। तो यहाँ नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं, ये तो नहीं है कि शिक्षित नहीं है, सबकी कुछ ना कुछ डिग्री होती है कर्नाटका में, मुझे मालूम है। कुछ दिनों पहले मेरा हेलीकॉप्टर उतरा और दो, मुझे लगा दो किसान भाई होंगे तो पास आए, नौजवान थे। मैंने कहा पढ़ाई की है, एक ने बीटेक की थी, एक ने बीएससी की थी। तो आप सब शिक्षित हो, पद खाली हैं, लेकिन पद आपको मिल नहीं रहे हैं। ये तो सरकार की नियति है ना कि आपको पद नहीं दे रही है। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि आपका क्षेत्र खास तौर से विकसित हो, और इसके लिए हमारा हमेशा प्रयास रहा है। अब कांग्रेस ने जो गारंटी दी है इस चुनाव में, सबसे पहली गारंटी तो यह है कि लूट बंद होगी, लूट बंद होगी और विकास शुरू होगा, और 100% विकास कराना चाहते हैं हम। जो 2.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं जो इस सरकार ने नहीं भरे, उनको हम भरेंगे, और हो सके तो एक ही साल में हम सारे पद भरने की कोशिश करेंगे। मेरी बहनों के लिए गृह लक्ष्मी योजना बनाई जाएगी, जिसके तहत आपको 2,000 रुपए हर महीने आप ही के अकाउंट में जाएंगे, आपके खाते में सीधे जाएंगे। गृह ज्योति योजना, जिससे 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, आजकल रोजगार मिलना मुश्किल है, और आपने बहुत मेहनत की है, आप भर्ती के इम्तिहान भी देते हैं, फीस भरते हैं, ट्यूशन करते हैं, फिर भी उसमें भी घोटाले आपको मिलते हैं और फिर भी आपको नौकरी नहीं मिलती। इसीलिए हम एक युवा निधि शुरू करना चाहते हैं। अगर कोई ग्रेजुएट है और उसके पास नौकरी नहीं है तो एक बेरोजगारी का भत्ता 3,000 रुपये प्रति माह आपको मिलेगा। अगर आपके पास डिप्लोमा है और नौकरी नहीं है तो हर महीने 1,500 रुपये सरकार आपको देगी अपने गुजारे के लिए। नंदिनी को हम मजबूत बनाएंगे, महिलाओं के लिए बस के पास फ्री मिलेंगे, जहां भी जाना है फ्री में जाओ। और आप पूछ सकते हैं कि ठीक है, लेकिन रोजगार बनाने के लिए क्या करेगी कांग्रेस? तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि रोजगार बनाने के लिए सबसे पहले
तो जो छोटे दुकानदार और छोटे और मीडियम बिजनेस हैं उनको मजबूत करने का काम कांग्रेस करेगी। आपके लिए एक वेलफेयर फंड बनाएगी ताकि जितना आपने सहा है, जीएसटी नोटबंदी की वजह से आपके आपका जितना घाटा हुआ है, और हम समझते हैं कि नुकसान हुआ है, आपको थोड़ी सी सहायता मिलेगी और सरकार आपके साथ खड़ी होगी। हम चाहते हैं कि कर्नाटका में लाइट एंड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने के जैसे नए नए उद्योग शुरू किए जाएं ताकि तमाम नौजवानों को नौकरी मिल सकती है। क्या हो गया, दिख नहीं रही हूं? बीदर से यहां से चामराजनगर तक हम एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और टाउनशिप्स बनाना चाहते हैं। चुनी कई चुनी विधानसभाओं में हम 10 करोड़ रुपए स्टार्टअप फंड देंगे ताकि अगर कोई नौजवान अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहे तो उसी विधानसभा से उसको थोड़ी सी सहायता मिल सकती है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। मंगलुरु में हम बिजनेस पार्क, बिजनेस और टूरिज्म के लिए एक गोल्ड और डायमंड पार्क जैसे दुबई में बनते हैं वैसे बनाना चाहते हैं। मैसूरु, हुबली, धारवाड़, गुलबर्गा, बेल्लारी, चित्रदुर्गा जैसे जो जिसको सेकंड टियर शहर बोलते हैं, जो बेंगलुरु जितनी बड़ी नहीं है लेकिन उससे थोड़ी छोटी लेकिन अच्छी खासी शहरें हैं, इनमें हम आईटी और टेक सेक्टर को मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि ये छोटे छोटे बेंगलुरु की तरह बने। आपने सुना होगा कि आजकल डीजल पेट्रोल के नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनती हैं। हम चाहते हैं कि कर्नाटका को इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने का एक हब बनाया जाए। सिद्धलघाटा से चिकबलपुर तक हार्डवेयर पार्क्स बनाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि 5 सालों में कम से कम 10 लाख नए रोजगार बने, यही हमारा प्रयास रहेगा। बहुत लोग आजकल डिलीवरी का काम करते हैं, घरेलू काम करते हैं, किसी के घर में नौकरी करते हैं, उनके लिए आज तक कर्नाटका में न्यूनतम आय फिक्स नहीं है, मतलब उनका शोषण हो सकता है, उनको कम आमदनी देके उनसे काम कराया जा सकता है। इसको बंद करने के लिए हम एक न्यूनतम आय फिक्स करेंगे घरेलू और डिलीवरी के कर्मियों के लिए। अस्थाई मजदूरों के लिए एक कल्याण बोर्ड बनाएंगे जिसमें कम से कम 3,000 करोड़ रुपए हम डलवाएंगे ताकि आपके वेलफेयर के लिए इसमें पैसे हों। ऑटो ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए भी अलग अलग बोर्ड बनाना चाहते हैं ताकि आपका भी किसी तरह से शोषण ना हो। 50-50 करोड़ दोनों बोर्ड में डलवाना चाहते हैं। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कांग्रेस आपके लिए बनाना चाहती है और करवाना चाहती है। देखिए, आज मैं यहाँ आ रही थी, मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना। प्रधानमंत्री जी, मैंने सोचा देखती हूँ क्या कह रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? कहा कि हमारा सपना था, कि बीजेपी का सपना था, मोदी जी का सपना था कि कर्नाटका को वो देश में सबसे विकसित प्रदेश बनाएंगे, ये कहा उन्होंने। और फिर कहने लगे कांग्रेस ने ये किया, वो किया, अतीत में ऐसा किया, 70 सालों से ऐसा किया, इनके परिवार ने ऐसा किया, वैसे ये सारी बातें कहने लगे। तो मैं सोच रही थी, अरे ये तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोपरि है, 56 इंच की सीने वाले हैं, इनका सपना कैसे टूट गया? इन्हीं की सरकार ने तो तोड़ा है, इन्हीं की सरकार लूट रही है, सुबह से शाम तक लूट रही है, हर जगह लूट रही है। तो ये क्या कर रहे थे, आंख बंद करके सपना देख रहे थे क्या?
इन्होंने रोका क्यों नहीं, इन्होंने रोका क्यों नहीं? क्योंकि लूट से परहेज नहीं है, भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है, सत्ता चाहते हैं किसी भी हालत में आ जाए। बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री पदाधिकारी सब सत्ता को हासिल करने के लिए कुछ भी कर डालेंगे, जनता को कुचल डालेंगे, लेकिन सत्ता चाहिए। आज इनको सबक सिखाने का मौका है, समय आ गया है बहनों और भाइयों, बहुत हो गया है, बहुत इधर उधर की बातें हो गई हैं। तुम नौजवान हो, हाथ हिला रहे थे मुझे, तुम ये हरी टी शर्ट वाले, तुम नौजवान हो, तुम्हारे भविष्य का क्या होगा अगर तुम आज खड़े नहीं होगे, अगर तुम आज नहीं मांगोगे कि जो तुम्हारे प्रदेश में सरकार आए बगैर तुम्हें लूटे, ईमानदारी से तुम्हारे प्रति समर्पित होकर तुम्हें जॉब दिलवाए, तुम्हारा विकास कराए, तुम्हारे किसान माता पिता को मदद करे, तुम्हारी माँ को मदद करे, तुम्हारी बहनों को मदद करे, तो कौन मांगेगा और कब मांगेगा? तो अब समय आ गया है कि आप सब जागरूक बन जाओ, इनको सबक सिखाओ। एक लहर है कर्नाटका में, बदलाव की लहर है, ऐसा बदलाव लाओ कि फिर कभी सरकार को चोरी करने की हिम्मत ना हो इनकी। पूर्ण बहुमत लाओ, पूर्ण बहुमत, पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के एक एक विधायक को जिताओ, ताकि यहां जो सरकार बने वो आपकी सरकार बने, आपके सामने सर झुकाए, आपका आदर करे और कभी आपकी समस्याओं को सुलझाने से पीछे नहीं आते। यही मेरा आग्रह है आपसे। वोट मांगने नहीं आई हूं, जागरूकता मांगने आई हूं। जाग जाओ, हमारे चार उम्मीदवार हैं, यहां आइए। इनको जिताकर आप कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत सरकार बनाकर अपने प्रदेश में बदलाव ला सकते हैं। मेरे साथ एक बार जोर से कहिए, कर्नाटका की, कर्नाटका की, कर्नाटका की। धन्यवाद, जय हिंद। याद रखो मैंने क्या बोला, ग्रीन टी शर्ट।